ग्वालियर किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा, केवल मेरा ही नहीं, आज हर मामले में आगे करके जाएंगे ग्वालियर। ग्वालियर के विकास का नया अध्याय भी प्रारंभ होगा, तो वो भी आत्मनिर्भर ग्वालियर की प्रदर्शनी भी लगनी चाहिए। आत्मनिर्भर ग्वालियर, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की एंट्री। और जहां तक छूट का सवाल है, ग्वालियर वालों को क्या इंतजार कर सकते हैं? हमारे सारे मंत्री पूरी ताकत और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, क्यों प्रदुम जी ठीक है कि नहीं, लगातार काम कर रहे हैं। और फिर मेले को, इस मेले को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए आप बाकी उपाय भी करें। अरे कुछ ऐड नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब है मेले से? जो होता था उससे बेहतर था। सब सहयोगियों के साथ मिलकर सोचे, आपको आइडिया से भी मिलेंगे, कॉमर जी का मार्गदर्शन करेंगे और विवेक जी बैठे हैं अपने, तो पूरी टीम के साथ विचार विमर्श करके मंत्री जी के रूप में हमारे प्रद्युम्न जी भी है और प्रद्युम्न जी भी है, आप मिलकर इस मेले को भव्य स्वरूप प्रदान करें। और एक जरूर है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर ग्वालियर की एक कलेक्टर और व्यवस्था है।